सो गाइज, फाइनली लावा यूआर टू का हम लोगों ने पब्लिक रिव्यू किया, और मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, वहाँ पे लोग कैमरा से डरते हैं, और मतलब ये चीज़ पहली बार है यहाँ पे कोई यूट्यूबर है पब्लिक रिव्यू करता है, ऐसा सीन हुआ। तो बहुत सारे लोगों के पास मैं गया, सब कोई मना कर रहे थे, हर कोई ने मना किया। फिर अनफॉर्चुनेटली एक मतलब गैराज में गया, वहाँ पे भैया जो थे वो मान गए, तो वहाँ पे एक वीडियो बस मैं शूट कर पाया, और डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारे लोग थे तो वहाँ पे वीडियो अच्छा खासा बन गया। और उसके बाद और भी मैंने ट्राई किया बट कोई भी नहीं माना। तो जितना मुझसे हो पाया लावा, क्योंकि इंडियन ब्रांड है, पब्लिक रिव्यू करना था, कमेंट आ रहे थे, तो मैंने ट्राई किया अपने तरफ से जितना मुझसे हो पाया। तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद में आएगा, और पूरा वीडियो देखना, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। गाइस आज करने आए पब्लिक रिव्यू, देखते हैं। ये फ़ोन है, पकड़ो ना, ये फ़ोन है, आप इसको देख लो। अभी हम लोग इसका ब्रांड का नाम छुपा के रखे हैं, ठीक है, आपको बताएंगे बाद में। इसको जो है ना पासवर्ड 0004 बार है, दबा लो, ठीक है, खोल लो, चला लो। अब मैं आपको, पीछे ग्लास बैक है, देख लो फोन को, कैसा लग रहा है फोन? फोन तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है ना। और अभी ना मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें ना 64GB मेमोरी है, ठीक है, 64, ठीक है ना, ठीक है। पहले मैं रूल बता रहा हूँ, जो सही जवाब देगा ना उसको 150 रुपए का जियो रिचार्ज फ्री मिलेगा, 150 रुपया देगा, ठीक है, जो भी सही बता देगा, ठीक है ना, अभी अभी खड़े खड़े मिलेगा, तो यही रूल है। तो अभी आप लोग भी देख लो, फोन है हाथ में ले लो, ग्लास बैक है पीछे, चला वाला के देख लो, जो भी है अभी नहीं बताएंगे, थोड़ी देर बाद बताएंगे ना, मैं पूरा बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा। और आपको भी देखना है, देख लो, पीछे ग्लास बैक है, देख मत ना, फोन देखना है, लिखा हुआ नहीं देखना। तो ना अब मैं बता रहा हूँ, इसमें 64GB मेमोरी है, और 3GB रैम है, और 3GB वर्चुअल जो अंदर से बढ़ता है वो है, ठीक है, और 13 मेगापिक्सल कैमरा है, और एक एक्स्ट्रा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का होगा, सामने में 5 मेगापिक्सल कैमरा है, 5000 mAh बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पे अब ना, और पीछे ग्लास बैक है, प्रीमियम डिज़ाइन है, ठीक है, और मतलब कोई भी ग्लास बैक नहीं देता है ऐसे छोटे मोटे फ़ोन में। तो अब आपको ना इसका प्राइस गेस करना है, और जो सही प्राइस बता दिया उसको 150 रुपये का रिचार्ज मिलेगा, जियो रिचार्ज 1 महीने का। चलो गेस करो। क्या प्राइस होगा इसका? 64, 364 ना? हाँ 364। कैमरा? कैमरा 13 मेगापिक्सल है, सामने 5 है, और ये 2 मेगापिक्सल का दूसरा, 13 2 364, मतलब वो 3 वर्चुअल है, वो दुकान वाले बेचते हैं तो बोलते हैं के अंदर है, होगा एग्जैक्ट बताओ ना। 9-10 हजार। चलो एक चीज बोलो, कोई भी 10 हजार। चलो ठीक है, अब आपकी बारी। 7300 तो अभी भी वही प्राइस है, तो बताओ, बता प्राइस। 6999 6999 मेरा ठीक था, 7000 मेरा ठीक, 7000। अच्छा है फोन, 7000 बोलना था ना, जीत जाते, 7000 ठीक है, मैंने अच्छा लग रहा है देख के, मस्त अच्छा लग रहा है, लेकिन 364 है ना, हाँ ये बिक नहीं रहा है कहीं पे, अभी थोड़ी देर बाद मिलेगा मार्केट में, अभी वेबसाइट से मंगा सकते हो उसको। तो कैसा लगा फोन? और हाँ ये भैया गैरेज है, बनाने आ जाना गाड़ी, सब लोग दिखा दे वही राउट करा के, खुलेगा नारायणपुर में कोई होगा तो यहीं पे आना सब लोग। ये भैया 7300 रुपये बताए थे, तो एकदम करेक्ट ही था, थोड़ा बहुत ज़्यादा था, तो भैया के हमें 150 का रिचार्ज फ्री में कर दिए, आप लोग को मैसेज दिखाते इधर 150 का रिचार्ज हो गया है भाई, ठीक है, थैंक यू, बाय। तो गाइस आप लोगों ने देखा यहाँ पे,
और मैंने प्राइस भी रखा था इस पे कि अगर कोई सही बताएगा तो उसको 150 रुपये का जो जियो रिचार्ज आता है एक महीने का बेसिक प्लान वो करेंगे। सबको बताया था मैंने और एक बंदे का तो ये रिप्लाई आया था कि मेरे पास जियो रिचार्ज ऑलरेडी है। मैं इतना मतलब फुल यहाँ पे पैसे वाले लोग हैं तो ये सब चीज़ मतलब लगता है पूरा दिन बर्बाद हो गया था और बहुत सारे ट्राई किए बट फिर नहीं, कोई नहीं, ये वीडियो हम लोगों ने बनाया। होप आपको ये पसंद में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।